सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 3, 4 और 5 जनवरी को मारपीट की जो घटनाएं हुई उसको लेकर दो तथ्य आज सामने आए। पहला तथ्य ये कि दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वहां हिंसा करने वाले लोगों की पहचान कर ली गई है और इसमें जिन लोगों को उन्होंने बताया कि हिंसा करने वाले लोग हैं जिनकी पहचान की गई है उसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष और बाकी कोई 19 और छात्रों के नाम भी है। कुछ छात्रों के नाम पुलिस ने जो है वो सामने भी रखे। और दूसरी तरफ एक न्यूज चैनल ने 3 लोगों का स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया और उस ऑपरेशन में उन्होंने बताया कि किस तरह से 2 जो ABBP के सदस्य हैं वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने हिंसा में भाग लिया था और उनके संगठन ने हिंसा में भाग लिया था। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से करीब 20 छात्र जो ABBP से जुड़े हुए हैं उनको जो JNU में पढ़ते हैं वो थे और 21 लोग जो हैं वो बाहर से बुलाए गए थे। अब इन दोनों में से सच कौन है? उसके इसमें जो न्यूज़ चैनल है उसने जो स्टिंग किया है उसमें एक वामपंथी जो छात्र हैं वो भी हैं जो छात्र संघ की पूर्व पदाधिकारी रह चुकी हैं उनका भी जो है वो स्टिंग किया है जिसमें वो भी जो है कम से कम सर्वर रूम में जो सर्वर को बंद किया गया इस बात को स्वीकार कर रही हैं। लेकिन हिंसा वाली बात पर जो है वो एक बहुत ही दिलचस्प बात है कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो दिल्ली पुलिस है वो 3 और 4 जनवरी को जो हिंसा हुई है उसमें जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया था उसके आधार पर सारे तथ्यों को सामने रख रही है। 5 को जो कुछ भी हुआ उसको वो नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि सर्वर रूम बंद कर दिए जाने के कारण जो JNU में कैमरे लगे हैं वो कैमरे नहीं चल रहे थे और इसलिए उसका कोई रिकॉर्ड उनको नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों देश भर में जो प्रतिक्रिया हुई है वो 5 जनवरी की घटना पर ही हुई है और 5 जनवरी को की रात में करीब 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कोई यही 30-40 लोग जो हैं JNU में घुस गए थे, हॉस्टल्स में गए, वहाँ उन्होंने छात्रों के कमरे खुलवाए और उन पर हमला किया। उसके अलावा शिक्षकों के घरों में घुसे, उन पर हमला किया और आयशी घोष जो हैं जो उनको उनकी बड़ी बुरी तरह पिटाई की गई, उनके सिर माथे से जो है वो खून निकलने लगा था। ये जो वीडियो है वो काफ़ी वायरल हुआ। तो आखिर सच्चाई क्या है? जो पुलिस कह रही है वो सच है या जो स्टिंग ऑपरेशन जो है वो दिखा रहा है वो सच है? हमारे वरिष्ठ सहयोगी शीतल पी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और JNU में जो कुछ हो रहा है इसका उसको वो ये लंबे समय तक से जो है वो फॉलो कर रहे हैं। शीतल जी, कौन सच बोल रहा है, दिल्ली पुलिस बोल रही है या जो स्टिंग ऑपरेशन है वो सही है? दिल्ली पुलिस का तो ऐसा लग रहा है लगातार, पहले उसने लापरवाही की, यूनिवर्सिटी में जब ये घटना हो रही थी उसको सूचना मिल गई थी लेकिन वो समय पर वहाँ नहीं पहुँची, फिर पता लगा वो बहुत से जगहों पे पहुँच भी गई थी तो उसने कोई एक्शन नहीं लिया हमलावरों पर, और अब जो स्टिंग ऑपरेशन आया है उसमें तो ये पता लगा है कि जब लोग हमला कर रहे थे तो हमलावरों में से एक को वहाँ मौजूद और टहलकदमी करते हुए पुलिस वालों ने कहा था ठीक है इनको ठोको। तो ये जो पुलिस का पूरा रोल है और उसके बाद जो वो जिस तरह से 4-5 दिन बाद अभी तक एक भी गिरफ्तारी न करके और बयान कुछ उन लाइनों पर दे रही है जिन लाइनों पर इस घटना को पहले दिन से ले जाने की कोशिश हम पा रहे हैं कि ABBP और उसके समर्थक, कुछ पत्रकार और कुछ सोशल मीडिया कैंपेन्स, कुछ अखबार, इनके जरिए किया जा रहा है। मामला दरअसल क्या है? मामला है कि JNU में बहुत वर्षों बाद एकाएक हॉस्टल में रहने की फीस जो थी, खाने पीने की, कमरे के किराया, बिजली पानी, कर्मचारियों का भत्ता, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। लेकिन उसको जब छात्रों ने विरोध किया तो पहले सोशल मीडिया में चलाया गया कि कुल 10 रुपए में ये बच्चे रहते हैं, कमरे का किराया कुल 10 रुपए है, उसको बढ़ाने पर आलोचना कर रहे हैं। वो मामला सिर्फ 10 रुपए का नहीं था, वो भी झूठ बताया गया था। वो टोटल जोड़ा जाए तो हज़ारों रुपए का मामला साल में है जो तरह तरह से उसमें बढ़ा दिया गया है। तो बच्चों ने उसके खिलाफ, वहाँ के छात्रों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया,
पहले उस आंदोलन में चूंकि ये ऐसा मामला था जो सेंसिटिव था, जिससे छात्रों के हित जुड़े हुए थे, एबीवीपी भी साथ आई, एबीवीपी ने अलग से किया आंदोलन और वो यूजीसी के यहाँ प्रदर्शन करने गई। एबीवीपी वहाँ एक कमजोर ताकत है, लेकिन हर चुनाव हार जाती है, एक आध बार कोई रेयर जीता है, तो वहाँ लेफ्ट ही लगातार जीतते रहे, तो ये तो साबित है। इस चुनाव में भी जीते हैं, बहुत प्रचंड बहुमत से जीते हैं, कुल एक पार्षद एक तरह से कह लीजिए एबीवीपी का है, बाकी सब लेफ्ट का है वहाँ, तो ये लोग वहाँ संख्या में कमजोर हैं, ये पहले साबित है। लेकिन बाद में ये एडमिनिस्ट्रेशन से मिल गए और ये फीस वृद्धि आंदोलन का विरोध करने लगे। फीस वृद्धि आंदोलन को तोड़ने के लिए जो प्रशासन है उसने क्या किया कि ये छात्र कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे थे, तो अगले सेमेस्टर के लिए लोगों का बिना पिछली परीक्षा दिए हुए कंप्यूटर पर एक वेबसाइट पर दाखिला लेने की प्रक्रिया उसने शुरू करा दी एडमिनिस्ट्रेशन ने। उसका ये छात्र विरोध कर रहे थे, उस चक्कर में दो तीन दिन पहले वहाँ सर्वर रूम में जाके छात्रों ने विरोध किया है, जिसका इस स्टिंग में भी आया है कि एक गीता कुमारी नाम की छात्र संघ की पूर्व अध्यक्षा और वहाँ पीएचडी स्कॉलर, उसने बताया कि हाँ वो और उसके तमाम दोस्त वहाँ गए थे, विरोध किया था और उन्होंने अपना तर्क दिया है, वो गलत हो सकता है, वो एक अलग मुकदमा है, उसमें कोई बात। उसके बाद छात्रों के इन गुटों में, जिसमें जैसा मैंने बताया एबीवीपी संख्या बल में कमज़ोर है, तो इसकी ऐसी बहुत सारी डिटेल्स आए हैं जिसमें हाथापाई हुई हैं अलग अलग लेवल पर, लेकिन वो सब यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच में हुई हैं। ज़्यादातर मामलों में एबीवीपी की ओर से जो प्रमाण दिए गए उनकी वेबसाइट पर, उनके फेसबुक पेज पर और उनके ट्विटर पर, जो हमने पिछले प्रोग्राम्स में जिनकी मीमांसा की है और हमने पाया है, उसमें से बहुत सारे झूठे थे, बहुत सारे कॉन्कॉक्टेड थे और बहुत सारे में सच को छुपाया गया था। लेकिन एक घटना जरूर है जिसमें पेरियार हॉस्टल में पत्थरबाजी हो रही है दो ग्रुपों में, एक ग्रुप का वीडियो है, दूसरे ग्रुप का नहीं है। उस वीडियो में लग रहा है कुछ लोग पत्थर मार रहे हैं, ऐसा हुआ होगा। ये सब घटनाएं हुई जो छात्रों के बीच हुई, ये तीन और चार को और पांच को, दिन चार और पांच को भी दिन में, ये आपस में हुई है जिसमें बाहरी कोई शामिल नहीं है। अब जिस घटना पर इस पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं, विरोध हो रहा है, हल्ला मच रहा है, उन घटनाओं के जरिए इस घटना को छुपाने की कोशिश की जाती है। ये घटना क्या है कि रात में शाम को एकाएक एक वीडियो आता है जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेके न्यूज चैनल तक पहुंच जाता है, जिसमें बहुत सारी लड़कियां एक हॉस्टल में चिल्ला रही हैं और मुंह पे कपड़ा बांधे एक गिरोह सा बहुत हाथों में डंडा लोहा केसरिया और बहुत सारी चीजें लेके गुजर रहा है, तोड़ फोड़ करते हुए, और शीशा वीशा गिर रहा है और उसके बाद घायलों के चित्र आने लगते हैं। तो ये जो घटना हुई थी रात में, जो 7 से 8 बजे 9 बजे के बीच हुई है, जिस समय सारे कैमरे देश के टेलीविजन चैनलों के जेएनयू की ओर भागे हैं, जिस समय सारे स्टूडियोज में ये मैटर बहस होने लगा है, उस समय की घटना के बारे में आज इंडिया टुडे ने एक स्टिंग ऑपरेशन पेश जारी किया। मतलब अभी जो शीतल जी जो अभी दिखाई दे रहा है कि दिल्ली पुलिस जो मामला सामने लाने की कोशिश कर रही है, वो तीन को चार को और पांच को दिन में जो झड़पें हुई हैं, जो आपस में छात्रों आपस के छात्रों के बीच में हुई छात्रों के बीच, बिल्कुल, और जो उसको इसमें खड़ा कर रही है, उसमें खड़ा कर रहे हैं ये जो आयुषी घोष और उसके अलावा जो कुछ छात्रों के नाम लिए गए हैं, सुचेता तालुकदार, पंकज मिश्र, योगेंद्र भारद्वाज, विकास पटेल, चुनचुन कुमार, भास्कर विजय, डोलन सामंता, प्रिया रंजन, ये सारे लोग पुलिस कहती है कि इनकी पहचान हुई है, लेकिन ये 5 तारीख की रात की घटना से इनका संबंध नहीं है। नहीं है रात और भी ये विक्टिम है, ये विक्टिम है रात को, अगर है जिसमें से एक का नाम आयुषी घोष, तो उनका तो खून लगा हुआ चेहरा जो है वो वीडियो जो है काफी बड़ी मेडिकल इंजरी है, बिल्कुल। और इसी के आधार पर 5 तारीख को ही दिन में पुलिस ने जो है 3 और 4 की घटना को लेकर के और एक FIR भी दिन में नहीं की है। मजेदार बात यह है कि जब यह घटना हो गई, सारे टेलीविजन चैनलों पे हो गई, रात में उसके पास पहले से ये जो घटनाएं हो रही थी सर्वर रूम वगैरह की, इन घटनाओं पर शिकायतें, दो दो FIR उसने उस दिन रात को ये घटना हो जाने के बाद, सारे देश में हल्ला हो जाने के बाद रात में 9 बजे के आसपास दर्ज की है, दो आयुषी घोष और उनके बाकी सहयोगियों के खिलाफ। जी, और जो रात की घटना हुई उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। अभी तक FIR जो है वो बड़ी मिस्टीरियस है, उसमें बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, चूंकि अब सारा मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है, तो जितनी भी शिकायतें आई हैं वो सब शिकायतें क्राइम ब्रांच के पास हैं, हमें नहीं मालूम कि अब FIR क्या लिखी गई है, चूंकि कानून। लेकिन ये जो दो जो स्टिंग किए हैं इन्होंने, एक न्यूज चैनल ने, उसमें जो दो एबीवीपी के लोग दिखाए जा रहे हैं,
वो जो है वो क्या रात की घटना के बारे में बता रहे हैं? वो रात को जो हमला हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं। इसमें दो लोगों का स्टिंग है, एक आकाश अवस्थी और एक रोहित शाह। अक्षत अवस्थी और रोहित शाह, बिल्कुल आपने ठीक किया। ये दोनों, इनके आप चित्र अभी देखेंगे, अक्षत अवस्थी ये है और एक है रोहित शाह। ये दो लोग जो है इसमें बताए जा रहे हैं, दोनों बीए में फ्रेंच फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। ये दूसरा लड़का ये है, ये दोनों इस स्टिंग में दिखाए गए हैं। ये दोनों अपने को एबीवीपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं। अब मैं अक्षत अवस्थी का बयान पढ़ रहा हूं जो उन्होंने इंडिया टुडे टीवी को के स्टिंग ऑपरेशन में कबूला है। वो कह रहे हैं, मैंने डंडा लिया हुआ था, पेरियार हॉस्टल के नजदीक कई झंडे थे, वहीं से डंडा लिया था। एक लड़का दाढ़ी रखे हुए था, कश्मीरी जैसा लग रहा था, मैंने उसे मारा। उसके बाद गेट तोड़ा। मैं कानपुर से आता हूं जहां गुंडई खून में है। पेरियार में सबसे पहले हमला हुआ था, यह एक्शन का रिएक्शन था। मेरे एक दोस्त हैं, वो एबीवीपी के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी हैं। मैंने उन्हें बताया कि लेफ्ट विंग के बच्चे साबरमती हॉस्टल में मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए साबरमती पर हमला किया गया था। मैंने ही भीड़ जमा किया था सेनापति की तरह। 20 लोग जेएनयू के थे और 20 हमने बाहर से बुलवाए थे। लेफ्ट छात्रों को अंदाजा भी नहीं था कि एबीवीपी इस तरह से पलटवार करेगा। अब दिल्ली पुलिस के पास शर्म से छुपने के अलावा कोई रास्ता नहीं इस स्टिंग के बाद, क्योंकि इसके पहले मैं आपको और दो चित्र दिखाता हूं जो विकास पटेल और शिव पूजन मंडल नाम के दो लड़कों के हैं। ये दोनों भी जेएनयू के पूर्व या वर्तमान छात्रों में से हैं। दोनों डंडा लिए हुए हैं, उस भीड़ के साथ हैं जो बाद में इकट्ठा। लेकिन जो तस्वीर है वो दिन की तस्वीर, ये दिन की तस्वीरें हैं। ये दिन में वो लड़के हैं जो जेएनयू के अंदर एबीवीपी के थे, ये उस समय इकट्ठा हो रहे हैं, डंडा मंडा इंतजाम कर रहे हैं, ये उस समय की है। और रात में जब बाहर से 20 लोगों की कुमुक उनके हिसाब से आ गई, तब उन लोगों ने, और ये पता चलने पर कि साबरमती आश्रम में, जैसा ये बयान में वो कह रहा है कि साबरमती हॉस्टल में उनको पता लगा कि लेफ्ट के लोग मीटिंग कर रहे हैं, तब इन्होंने उस पर हमला किया। और शिक्षक दोनों थे साबरमती आश्रम? नहीं, शिक्षक वहां नहीं थे। शिक्षक वहां एक साबरमती का तिराहा है, वहां असेंबल हो रहे थे और छात्रों की अपनी मीटिंग साबरमती हॉस्टल के अंदर थी। बाद में वो दोनों एक जगह इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ये जो भीड़ आई है इसने टीचर्स पर भी पथराव किया है, जिसमें एक प्रोफेसर का सर फट गया है, कई और घायल हुई हैं। तो वो दोनों घटनाएं इसी गिरोह ने की हैं, और ये गिरोह कैसे तैयार हुआ ये इस बयान में आ जाता है। तो ये जो चीजें हैं, जो एक महत्वपूर्ण बात जो पेच यहां पर दिखाई दे रहा है कि दिल्ली पुलिस जो अब तक की जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने लेकर के आई है, वो 5 तारीख की रात को जो संगठित हमला हुआ छात्रों पर, जिसके बारे में पुलिस जो है वो शायद ये कहेगी कि वो वामपंथी छात्र थे, उन पर हुआ या स्ट्रिंग में, तो साफ ही है कि जो एबीवीपी का एक्टिविस्ट है वो ये कह रहा है कि हमने वामपंथियों से बदला लेने के लिए किया और इसलिए चुन चुन करके उन पर हमला किया गया। आयुषी घोष जो है उन पर भी इसलिए हमला किया क्योंकि वो लेफ्ट विंग की हैं और छात्र संघ की अभी अध्यक्ष भी हैं। तो ये एक पहलू है और उसको दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से छोड़ दिया है, जबकि जो न्यूज चैनल है उसका स्ट्रिंग जो है उससे आगे जाता है, वो उनमें उसमें इन्वॉल्व लोग जो हैं उनकी बात करता है। इसमें एक खास बात ये भी है कि ये अक्षत अवस्थी जो है, जो वो वीडियो है उसमें अपनी वीडियो को दिखा करके रिपोर्टर को पहचानवाते हैं कि देखो ये कॉरिडोर में मैं ही हूँ, ठीक है। तो ये एक तरह का, लेकिन एक स्टिंग जो है उसी वहीं पर जो न्यूज चैनल ने किया है, वो स्टिंग जो है गीता कुमारी छात्र संघ की पूर्व अध्यक्ष हैं उनका, जिसमें वो ये स्वीकार कर रही हैं कि सर्वर रूम में जाकर उन लोगों ने सर्वर जो उसको सिस्टम को बंद किया तोड़फोड़ के रोक लिया था, वहां धरने पर भी बैठ गई थी। ये बिल्कुल सच बात है, ये उन्होंने मुझसे भी कबूला था और हमने पिछले प्रोग्राम्स में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने इसको छुपाया नहीं था, ये उससे 2 दिन पहले की घटना है। सिर्फ उन्होंने ये बताया था कि ये जो वीडियो वायरल किया जा रहा है बिना बताए हुए कि ये 2 दिन पहले की घटना है, 5 तारीख की घटना नहीं है, ये 3 तारीख की घटना है। नहीं, लेकिन सर्वर रूम में जाके तोड़फोड़ करना उसका एक मुकदमा बनता है, वो बिल्कुल बनता है, लेकिन वो इस हिंसा के मुकदमे से अलग होगा, क्योंकि इसमें तो लोगों की जान माल का खतरा है और इसमें उसमें प्रशासन के संपत्ति को तोड़ने का मामला है। ये दोनों अलग धाराओं में मुकदमा होगा। इस मुकदमे में तो 307 वगैरह की धाराएं लगेंगी या उससे आगे की लगेंगी, 307 कम से कम लगेंगी। दूसरे, इसमें बाहरी लोग बुलाए गए हैं, अगर बाहर के लोग किसी के घर में या किसी के इंस्टीट्यूशन में प्रवेश करते हैं
तो वो एक अलग मुकदमा बन जाता है जो बहुत गंभीर, ये सब संज्ञेय अपराध बड़े हो जाते हैं। छात्रों का अपना एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ाई के छोटे मुकदमे होते हैं, वो अलग धाराओं में होते हैं। तो इसमें दरअसल कई अलग अलग मुकदमे हैं, पुलिस बदमाशी ये कर रही है। मैं इसे बदमाशी इसलिए कहूंगा क्योंकि हमारे पास कन्हैया कुमार वाले प्रकरण का भी अनुभव है। उस मामले में भी यही हुआ था कि पुलिस ऐसा लग रहा था कि सत्तारूढ़ दल के साथ राजनीति में मुब्तला है। इस बयान में भी अक्षत अवस्थी ये कह रहा है इसके बाद, इस वाले बयान से अलग, कि वहां जो पुलिस मौजूद थी वो कह रही थी पीटो पीटो पीटो। तो पुलिस का रोल थोड़ा संदिग्ध है ओवरऑल। और जब कन्हैया कुमार वाले मामले में भी यही हुआ कि चार्जशीट दाखिल करने तक 3 साल में राजनीति पूरी तरह से होती रही, टुकड़े टुकड़े गैंग पूरे देश में प्रचारित कर दिया गया, लेकिन उन कश्मीरी लड़कों को कश्मीर की राजनीति में बीजेपी और पीडीपी के समझौते की वजह से एक दिन के लिए भी गिरफ्तार नहीं किया गया। जबकि चार उनको पता लगा लिया गया था, चार्जशीट में उनके नाम है, पता है, सब है, वो अभियुक्त बनाए गए हैं, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं किए गए थे। गिरफ्तार किए गए वो जिन्होंने वो नारे नहीं लगाए थे, कन्हैया कुमार वगैरह, और वो लोग जेलों में सड़े और बाहर निकले। तो ये जो पुलिस का रोल है इस तरह से मतलब मिलजुमला राजनीति करता हुआ ऐसा नजर आता है, जैसे आज उन्होंने एबीवीपी का नाम ही नहीं लिया, जबकि पहले दिन से सोशल मीडिया पर और मीडिया में विकास पटेल और शिवपूजन मंडल की डंडा लिए हुए घूमते हुए चित्र मौजूद है। नहीं, उसके अलावा जो लोग डंडा लेकर के निकल रहे हैं उस तरह के, उसके वीडियो, उसके वीडियोस मौजूद हैं, पहले बिना मुंह बांधे हुए बाद में मुंह बांध कर, दोनों वीडियोस मौजूद हैं। और वो पुलिस अगर चाहती तो उनकी भी जांच कर सकती थी, लेकिन उसमें पुलिस ने सिर्फ इतना कह दिया है कि 5 तारीख को चूंकि इन लोगों ने सर्वर बंद कर दिया था इसलिए वीडियो उपलब्ध नहीं है। नहीं नहीं, वो सीसीटीवी उपलब्ध नहीं है, वीडियो तो सबके उपलब्ध है, वीडियो इस देश के 1 करोड़ लोगों के फोन में उपलब्ध है। सीसीटीवी जो उपलब्धता है उसका मतलब आधिकारिक तौर पर वो उपलब्ध है। और ये तो वीडियो जो है जो लोगों ने वहाँ जो स्टूडेंट्स वगैरह थे उन्होंने जो अपराध करके जा रहे थे उनका वीडियो जो खींचा था वो वीडियो थे। अब पुलिस अब जो बाहर से का वीडियो है उसको वो अधिकृत मान ही नहीं रही, उसकी पता नहीं उसके अभी आगे कोई क्या करेंगे, लेकिन आज तक की जांच में उन्होंने कोई वीडियो अधिकृत नहीं होता, उसकी फॉरेंसिक जांच होती है, उसके बाद वो अधिकृत या अनधिकृत होता है। लेकिन शुरू में जांच करते समय तो यही सब संकेत मिलते हैं आपको, इन पे आप लोगों से बातचीत करते हैं, जांच करते हैं, इनके फोन वगैरह रिकॉर्ड्स होते हैं अगर आप जांच कर रहे हो तब, अगर आप राजनीति कर रहे हो तो यही होता है जो हो रहा है 5वें दिन। बिल्कुल जी। तो ये जो जांच का जो पूरा डायरेक्शन है उसको देख करके लगता है कि ये फिर ये कन्हैया कुमार जैसा ही मामला होगा। कि भाई देखा आपने, तुरंत ही स्मृति ईरानी का ट्वीट आ गया, तुरंत ही बीजेपी, इधर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उधर तुरंत आईटी सेल से लेके बीजेपी के सारे लोगों के तुरंत बयान आने लगे, उन्होंने अपने को बेदाग बरी कर लिया। अरे भाई, एक प्रोफेसर और जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष की जान जाते जाते बची है, उनका सर फट गया है, 13-13, 17-17 टाके लगे हैं और कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के हाथ पैर टूटे हुए हैं, सर फटा है। इतनी बड़ी घटना को इतने चालाकी से पी जाने की कोशिश हो रही है, 3-4 पिछली घटनाओं को उसमें मिला के सबको गड्ढमड्ड किया जा रहा है, जबकि हर मामले की अलग शिकायत होगी, हर मामले का अलग चार्जशीट होगी, ये मामला अलग है, वो मामले अलग है, लेकिन पेश ऐसे किया जाता है जैसे वो एक मामला बना दिया जाता है। एक है बिल्कुल। और कुल मिलाकर के जो अभी तक चीज़ें तथ्य जो सामने आ रहे हैं उसमें सिर्फ ये है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक की जांच की जो रिपोर्ट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की उसमें उन्होंने 5 जनवरी की रात को 7 बजे से 9 बजे तक जो छात्रों पर हमले किए गए जिसमें वहां के छात्र भी थे और बाहरी लोग भी थे उसको बिल्कुल अभी तक लगता नहीं है कि उन्होंने संज्ञान में लिया है और उस पर कोई बात कर रहे हैं। सिर्फ एक लाइन कह करके जो पुलिस अधिकारी उस पर बात कर रहे थे वो निकल गए कि चूंकि सर्वर बंद कर दिया गया था इसलिए हमको वीडियो नहीं मिले। लेकिन वो रात को जो वीडियो, रात को जो घटना हुई, बहुत सारे छात्रों ने अपने मोबाइल से, बहुत सारे जो शिक्षकों ने अपने मोबाइल से उसको उतारा था और वो सोशल मीडिया पर मौजूद है, बहुत सारे चैनल्स उसको दिखा भी रहे थे। रात में जो है वो 10-11-12 बजे तक त्राही मची हुई थी, बहुत देर के बाद करीब 2-2.5 घंटे तक उत्पात मचाने के बाद जब वो गुंडे चले गए तब जाकर के वहाँ दिल्ली पुलिस का प्रवेश हुआ, उस पर अभी तक खामोशी है। दूसरी तरफ जो एक चैनल का स्टिंग ऑपरेशन है उसने कम से कम 2 ही लोगों को सही उनके ज़रिए इस बात को सामने कर दिया है कि जो रात की घटना हुई उसमें भी जो एबीवीपी के लोग थे वो भी थे और बाहरी लोग भी थे। सवाल ये उठता है कि क्या दिल्ली पुलिस इस पर
कोई सॉलिड कार्रवाई कर पाएगी। तो आज जो जो वीडियो जो आ रहे हैं, जो स्टिंग ऑपरेशन भी जो हम देख रहे थे, उसमें भी एक कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि आखिर पुलिस किसकी है। नहीं, एक मजेदार बात यह है कि एक स्टिंग ऑपरेशन में एक और उन्होंने बयान जीवी थापा नाम के सिक्योरिटी ऑफिसर का दिया है। ये बता रहे हैं कि 3 महीने पहले ही यहाँ सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ था, तब वो यहाँ आए और वो जिस गेट पर थे वहाँ 10-15 लोग रात 7 बजे के आसपास, 20 भी हो सकते हैं, वो आदमी 10-15 कह रहा है तो 20 भी हो सकते हैं, वो डंडे लाठी लेके वहाँ घुसने लगे। उसने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसको कहा कि पिटना है क्या, और वो अंदर घुस गए। उसने सूचना दी, बाद में 2-3 पुलिस वाले आए लेकिन बताने पर वो वापस भाग गए। ये मतलब एक बहुत बड़ा बयान है कि इन लोगों ने, ये बाहरी लोग थे, जिस गेट से वो घुसे हैं वो गेट का हवाला दे रहा है, जो ड्यूटी पे खुद था वो अपना बयान दे रहा है। तो पुलिस ने कोई जांच नहीं की 5 दिन में ये साबित है, जबकि एक पत्रकार ये जांच करता है और ये बयान लेके वीडियो पर दे देता है। इसका मतलब पुलिस, वरना ये बहुत बड़ा मुकदमा है कि बाहरी 20 लोग, हथियारबंद लोग अगर किसी के संस्थान में दाखिल होते हैं तो ये डकैती और डकैती की कोशिश ऐसा मुकदमा होता है, क्योंकि जान माल की हानि हुई है, माल की भी हानि हुई है। लेकिन अगर इसे पीटा है, अटेम्प्ट टू मर्डर भी है, और ये बाहरी लोग हैं, इनको कोई राइट नहीं है जेएनयू में डंडा लाठी लेके सिक्योरिटी वाले को धमका के जबरन किसी क्षेत्र में जिसमें उनको परमिशन लेना है प्रवेश करने का। ये एक बड़ा अपराध है, लेकिन पता नहीं दिल्ली पुलिस ने यह अपराध दर्ज किया है कि नहीं, क्योंकि ये बयान टीवी पर तो आ रहा है, पुलिस के आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहा है। तो पुलिस ने अभी तक जो ह्यूमन जिसे कहा जाए गवाही है, अभी वो भी दर्ज नहीं की है। अभी वो झूठ बोलने की प्रैक्टिस कर रही है कि कैसे इस मामलों को आमने सामने का बना दिया जाए, 4-5-6 लोगों को लेफ्ट से उठा लिया जाए, 2-4 लोगों के एबीवीपी के भी छुटभइयों को पूछ के उठा लिया जाए और इसको आपसी झगड़ा बता के इसको दाखिल दफ्तर किया जाए। लेकिन ये मामला उससे बहुत बड़ा है, और चूंकि पूरे देश के मीडिया की इस पर निगाह है, तो ये पुलिस के लिए इसको सीधे सीधे पचा जाना उतना आसान नहीं होगा जितना कश्मीरी छात्रों के मामले में वो पहले घटना में जेएनयू में कर चुकी है, क्योंकि वो दूर के लोग थे और वो संभवतः उस वारदात के बाद कश्मीर वापस चले गए होंगे, तो देश के प्रेस को उनको ढूंढने में चूंकि उनके कोई संकेत भी नहीं थे मुश्किल था। लेकिन ये सारे लोग तो जैसा सामने आ रहा है, ये सब स्थानीय हैं और बाहर के हैं, ये छुप नहीं सकते, और जैसा ये सामने आ गए हैं और दिल्ली पुलिस को निश्चित तौर पर अगर उसको साबित करना है कि वो एक इंडिपेंडेंट पुलिस है, तो जो कुछ 5 जनवरी की शाम को हुआ, 7 बजे से 9 बजे के बीच हुआ, उसकी जांच पहले करनी होगी, क्योंकि वहां पर इस तरह के हमले किए गए जिसमें छात्रों की जान जा सकती थी। आयुषी घोष जो छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, उनका सिर फूटा, खून बहा, और वो वीडियो मौजूद है। फिर उसी तरह से जो लोग मारने के लिए आए थे, वो वहाँ से निकलते हुए जेएनयू से जाते समय उनके जो वीडियो हैं, जो उनके फ़ोटो हैं, वो सब मौजूद हैं। ये ताज्जुब की बात है कि दिल्ली पुलिस ने अब तक उस पर जो भी जांच किया है उसके बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि 3 और 4 जनवरी को जब आपसी थोड़ी बहुत झड़प हुई थी, जिसमें थोड़ी इक्कदी कोई पत्थर फेंकने की घटनाएं हुई थी, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई थी। निश्चित तौर पर जो गीता कुमारी है वो खुद ही कहती हैं कि हम लोगों ने सर्वर को बंद किया था, क्योंकि जो जेएनयू प्रशासन है वो उसकी मदद से जो है तरह तरह के नोटिस वगैरह वगैरह भेज रहे थे, तो हम लोगों ने बंद किया। तो ये एक अलग तथ्य आता है। कुल मिलाकर के अभी तक जो दिखाई देता है कि पुलिस जिन तथ्यों को लेकर सामने आ रही है वो बहुत पाक साफ नहीं है, और सिर्फ इस बयान भर से और बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान भर से ये मामला खत्म नहीं होगा, बल्कि इसकी गहराई में जांच करनी होगी। शीतल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और दोस्तों, हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। satyahindi.com पर लॉगिन कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दीजिए। आप हमारी राय से सहमत नहीं हो तो भी हम आपका स्वागत करते हैं। हम फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर भी मौजूद हैं, बहुत सारे दूसरे सोशल मीडिया पर भी हैं, वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।